Recording in progress. Dot B vector cross C vector is known as scalar triple product. मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन में इस तरह से प्रोडक्ट दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर या टाइप का प्रोडक्ट ला काय म्हणणार अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, देखो इसका सिंप्लीफिकेशन एकदम इजी होता है. आपको अगर बोला है कि ए वेक्टर जो है इट इज गिवन बाय ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप एंड ए जेड इंटू के कैप. देन बी वेक्टर गिवन है बी एक्स इंटू आई कैप, बी वाई इंटू जे कैप एंड बी जेड इंटू के कैप. सेम वे सी वेक्टर क्या होगा बोलो? सी जेड के कैप. अगर यहां पे दो की सॉरी तीन की जगह पे अगर दो वेक्टर होते तो उनका प्रोडक्ट अगर हमें करना है तो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम हम क्या करते थे? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं जिसमें फर्स्ट रो होगा आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड रो होगा ए एक्स ए वाई ए जेड एंड थर्ड रो होगा बी एक्स. लेकिन अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिटर्मिनेंट तो लेना पड़ता है. अभी बेसिकली ये स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब इनके प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी. कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी अगर रिक्वायर्ड है तो इसमें आई जे के नहीं चाहिए. तो हम इसको सिंप्लीफाई करते टाइम क्या करते हैं? फर्स्ट रो में आई जे के को रिप्लेस करते हैं बाय ए एक्स ए वाई ए जेड. सेकंड रो एज यूजुअल क्या होगा? एंड थर्ड रो बाकी सिंप्लीफिकेशन तो सेम रहेगा. कैसे होता है सिंप्लीफिकेशन? पहले ए एक्स लेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, क्या बचा? बी वाई बी जेड, देन सी वाई सी जेड, देन प्लस माइनस प्लस. ये सीक्वेंस होती है, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ ए वाई ब्रैकेट में बी एक्स बी जेड, देन सी एक्स सी जेड प्लस ए जेड इंटू क्या आएगा? बी एक्स बी वाई, देन सी एक्स सी. एंड आगे क्या करना है? फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब ये बनेगा ए एक्स इंटू ब्रैकेट ऑफ बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए वाई ब्रैकेट में बोलो क्या आएगा? बी एक्स सी जेड माइनस सी एक्स बी जेड क्यों बी जेड सी एक्स एंड प्लस ए जेड इंटू बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स. ठीक है, तो ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, तो इसको हम एक ही केस में यूज करते हैं. कब? अगर हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करनी है तो, मतलब उसमें क्या होगा? तीन एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेक्टर्स बोलेंगे और बोलेंगे कि कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड. तो उस केस में हमें क्या करना है? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है. ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा? सेम वे डाउन. जैसे पैरेललोग्राम है तो उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अगर ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हाफ करना है. ठीक है, एंड अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स दिया है पैरेललोग्राम के तो क्या करना है? डी वन वेक्टर क्रॉस डी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको हाफ करना है. ठीक है,
गया। चलो स्टार मार्कर के लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग, इफ थ्री वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग थ्री एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरालेलोपिपेड, पैरेलल पाइप ईडी नहीं शंतनु, अलग शंतनु, पैरालेलोपिपेड, देन वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड इज गिवन बाय, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलोपिपेड इज गिवन बाय ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एंड इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा, फर्स्ट रो ए एक्स ए वाई ए जेड, सेकंड रो, थर्ड रो, बस हो गए वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इतना ही करना है। एंड जैसे एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है वैसे वॉल्यूम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे कोई भी आईजे के नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इसका एप्लीकेशन या फिर इसके एप्लीकेशन के बेस के ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आता है, उसके लिए स्टार मार्क लिखो, नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार मार्क। इफ आता मला जर मला इथे सांगा की पैरेललोपिपेड है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है इसलिए उसको वॉल्यूम है, एंड अगर बोला जा रहा है कि वहां पे वॉल्यूम कितनी है, जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, अगर वो वॉल्यूम जीरो बन रही है मतलब ये थ्री डी फिगर नहीं होगी, कौन सी होगी, टू डायमेंशनल होगी। अगर फिगर टू डायमेंशनल है एंड उसमें अगर तीन वेक्टर्स दिए तो वो तीनों वेक्टर कहाँ पे रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, समझ में आ रहा है ना, टू डायमेंशनल मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे, मतलब गिवन वेक्टर्स कोप्लानर है या नहीं है ये चेक करने के लिए इसका बेसिक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने, कहीं नहीं, इफ थ्री वेक्टर्स ने, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, इट मींस गिवन थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर, आर कोप्लानर। ठीक है, मतलब गिवन वेक्टर कोप्लानर है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनका बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दो एग्जांपल दिए मॉड्यूल में, चलो मॉड्यूल निकालो कमन फास्ट। लास्ट लेक्चर कहां तक सॉल्व किए थे, 72, तो ये 73-74 है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो ये तीन एग्जांपल दो ना, चला बट
तक है फर्स्ट रो में या एंट्री के लिए। आपली पूजा बसली सगळे जण मास्क घेऊन दिसो होता आहे का मास्क सी वेक्टर सोबत आई जे के नंबर म्हणजे 2 माइनस 3 प्लस 3 हा डिटरमिनंट काय आहे सगळ्यांचा हा डिटरमिनंट माझा किती किलो आहे निश्चित केला आहे पूर्ण तो सोपा आहे निश्चित केला नेक्स्ट मध्ये काय करायचं 4 घेतला कॉमन ब्रॅकेट मध्ये काय 3 2 माइनस 3 3 चा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन फॉलोड बाय सबट्रॅक्शन 3 into 3 9 माइनस ऑफ 2 into 3 माइनस माइनस प्लस होतो 6 9 प्लस 6 15 मग काय 4 इन ब्रॅकेट 15 15 टू 4 म्हणजे 60 पुढे काय माइनस 2 माइनस 2 काय करा सिक्वेन्स इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इसलिए 2 क्या है माइनस है तो माइनस 2 इन ब्रैकेट कौन होगा माइनस 3 इनटू 3 म्हणजे माइनस 9 एंड माइनस ऑफ 4 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13 इनटू माइनस 2 प्लस 26 तो 60 प्लस 26 असं माइनस 6 इक्वल्स टू 80 क्लियर। तो यहाँ पे वेक्टर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। देखो तो बेसिकली वेक्टर जो है मैंने स्टार्ट में भी बोला था अशी काही खूप फिजिक्सची कॉन्सेप्चुअल पार्ट है असं काही नहीं है। तो वेक्टर मतलब क्या है बेसिकली इट्स ए मैथमेटिकल टूल म्हणजे जसं एडिशन असतं सबट्रैक्शन है देन मल्टीप्लिकेशन है डिविजन है डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है ट्रिग्नोमेट्री है ये सब क्या है मैथमेटिकल टूल्स है जो हमें फिजिक्स स्टडी करने के लिए हेल्प करते हैं। उसी के सिमिलर ये वेक्टर की जो अलजेब्रा की प्रोसेस है ये भी क्या है मैथमेटिकल टूल है जिनका जेडब्ल्यू उनको मालूम है कि वेक्टर के टॉपिक्स है उनको सिलेबस में भी मतलब एक्चुअली ये टॉपिक अगेन कहाँ से है मैथमेटिक्स से लेकिन सेम कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हम फिजिक्स की कॉन्सेप्ट के सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। म्हणजे आपला जो नेक्स्ट टॉपिक है कुठला टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन वो टॉपिक अब से शुरू होगा कळालं ना। पहले फक्त जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपने देखा होगा तो स्टार्ट में क्या दिया है मॉड्यूल में बेसिक मैथ्स एंड मैथमेटिकल टूल्स
उसमें ये सब बातें गिवन है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट, डेसिमल शिफ्टिंग, यूनिट कन्वर्जन, एंड जिस रिलेटेड हम आज 6 to 8 PM संगितले मी 6 PM to 8 PM आज से हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा डिस्कशन रहेगा टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे, बट हमारा मेन फोकस रहेगा ये बेसिक मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल टूल के ऊपर, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, देन ग्राफ्स के लिए रिक्वायर्ड कॉनिक्स का पार्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल शिफ्टिंग, यूनिट कन्वर्जन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इनका सिंप्लीफिकेशन, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, 6 PM to 8 PM में। एंड 4 to 5 क्या है? डायमेंशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या था, देखो स्टार्ट से वेक्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले डिफाइन की दो टाइप की क्वांटिटी, कुछ वेक्टर है, कुछ क्या डिफरेंस है वेक्टर एंड स्केलर में। किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनना है तो उसके लिए नेसेसरी क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होने से कोई भी क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती है। उसको वेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के लॉज ऑफ अलजेब्रा, म्हणजे कोणते, हमने जो एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन, एंड उसके बाद में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये जो भी वेक्टर का अलजेब्रा का पार्ट देखा है, अगर ये क्वांटिटी फॉलो कर रही है तभी वो वेक्टर है, अदरवाइज हम उसको ट्रीट करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर एंड स्केलर छोड़ के और भी टाइप होती है क्वांटिटी की, जिनको अपन टेंसर बोलते हैं, बट टेंसर का डिस्कशन, टेंसर का सिलेबस 10+2 में इंडिया में नहीं आता, इसलिए हम उससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करते। टेंसर का मतलब क्या होता है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। अभी कैसे होता है ये हमें रोटेशनल मैकेनिक्स में एंड इलास्टिसिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स आएगी, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हमने, उसमें क्या होता है एक्स ऑफ रोटेशन अगर पहले परपेंडिकुलर है, बाद में अगर पैरेलल लिया तो एमआई चेंज होता है, मतलब डायरेक्शन बदल दी, मैग्नीट्यूड बदलता है, उनको बोला जाता है टेंसर। लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, इसलिए जो क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी है उनको हम ट्रीट करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी, कळालं? कुठं याच्यानंतर जर टेंसर वगैरे जर दिसणार नाही शक्यतो, बट वर्कशीट मध्ये एखादा क्वेश्चन जर आलाच त्या रिलेटेड तो उसको हम क्या करेंगे एज ए स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। बाद में हमने क्या किया था, कुछ बेसिक नोमेनक्लेचर डिफाइन किया था, जैसे पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट था, उसके लिए हम क्या करते हैं उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाते हैं। मैग्नीट्यूड 1 कब बनेगा, गिवन क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो, बट वहां पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एंड एक बार यूनिट वेक्टर डिफाइन करने के बाद फिर हमने देखा था नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, उसके दो मेथड्स देखे थे, एक मैथमेटिकल एंड दूसरा ग्राफिकल। ग्राफिकल में क्या था, पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड लास्ट वन पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड मैथमेटिकल मेथड्स में एक ही फॉर्मूला हमें हर बार यूज करना है, कौन सा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ, फिर वो आप स्पेशल केस देखी थी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते टाइम भी सेम प्रोसेस थी, बस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह पे माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है। देन वेक्टर के कंपोनेंट्स का मतलब रिजोल्यूशन का डिस्कशन स्टार्ट किया था, और उसमें हमने देखा था कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट, बाय इनफाइनाइट वेज। लेकिन जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वहां पे हमें सिर्फ रिक्वायर्ड होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होंगे, एंड ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को फॉलो करने के लिए हम हर बार मोशन जब भी पढ़ते हैं तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर मोशन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज्योमेट्री का यूज करते हैं, मतलब वहां पे कौन होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, जेड एक्सिस होगा, तो हम गिवन वेक्टर के कंपोनेंट इनके अलोंग ही फाइंड करते हैं, इसलिए हमने वहां से डिसाइड किया था कि अगर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है या फिर कोई क्वांटिटी एक्स के अलोंग है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय, अगर वाई के अलोंग है तो, एंड जेड के अलोंग है तो, मतलब अभी हमें डिस्कशन शुरू करना है मोशन इन ए प्लेन का, एक्चुअल में मोशन इन ए प्लेन या फिर मोशन इन ए टू डायमेंशन, ये टॉपिक आज से हमारा शुरू होगा। और यहाँ पे अगर प्लेन की या फिर टू डायमेंशन की बात करेंगे, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, है ना, लास्ट टॉपिक हमने देखा है, अभी देख भी रहे दोपहर में, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, वहां पे हर बार क्या होता है, गाड़ी एक तो फॉरवर्ड जाती है नहीं तो बैकवर्ड जाती है, ठीक है। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी शुरू करने वाले 1, 2, 3 में, वहां पे क्या होगा, एक तो बिल्डिंग के ऊपर जाके बॉडी को ड्रॉप करेंगे नहीं तो थ्रो करेंगे, या फिर ग्राउंड पे खड़े होके अपवर्ड डायरेक्शन में उसको थ्रो करेंगे, तो अगर ऊपर से ड्रॉप किया नीचे से थ्रो किया तो बॉडी क्या कर रही है, अगेन
एक तो प्लस वाई के अलोंग आ रही है, नहीं तो माइनस वाई के अलोंग जा रही है। मतलब हर एक केस में बॉडी जो है अपनी मोशन एक एक्सिस के अलोंग ही परफॉर्म करती थी, इसलिए हम उसको मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बोलते थे या फिर मोशन इन ए वन डायमेंशन ऐसे बोलते थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वहां पे ऐसे नहीं होगा। मतलब बॉडी जब भी अपनी मोशन परफॉर्म करेगी तो उसके मोशन में कंसेप्चुअल पार्ट वही होगा, क्योंकि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, ये दोनों भी टॉपिक आते हैं काइनेमेटिक सेक्शन में। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन की स्टडी, जहां पे हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते। मतलब हमें तीन ही कंसेप्ट को डिस्कस करना है, एक डिस्प्लेसमेंट ना, तो मोशन इन ए प्लेन में जितनी भी कंसेप्ट आएगी अगेन हम डिस्कशन करेंगे ओनली अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे मोशन इन ए प्लेन में क्या होगा, हर बार बॉडी का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिफरेंट होगा, वाई एक्सिस के अलोंग डिफरेंट होगा। जहां पे भी मतलब बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म करेगी उसकी वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो एक्स के अलोंग डिफरेंट होगा, वाई के अलोंग डिफरेंट होगा। एंड उसी तरह के से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी डिफरेंट होगा, अलोंग वाई एक्सिस भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बातें हम मोशन इन ए प्लेन में मतलब यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, मुझे परत एकदम ही हेज रिपीट करते है कि जो बातें हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में पढ़ी थी 99% एज इट इज मोशन इन ए प्लेन में वही पढ़ना है। बस 1% में चेंज क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक एक्सिस होता था, जैसे हॉरिजॉन्टल गाड़िया पड़त होता तो वहां पे क्या लेते थे हम हर बार एक्स एक्सिस लेते थे, या फिर बॉडी अगर वर्टिकल प्लेन में मोशन अंडर ग्रेविटी में अपनी मोशन परफॉर्म करेगी तो वहां पे वाई के अलोंग डेटा लेते थे, यहाँ पे वैसे नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हमें देखना है, एक फुटबॉल का ग्राउंड है और फुटबॉल के ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर है वो क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक मार रहा है, और फुटबॉल को किक मारने के बाद क्या होगा, फुटबॉल प्रसाद काय होईल, फुटून जाईल, असं होईल का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये बन गया इनका ओरिजिन। हमें इसका और एक एडवांटेज मिलता है, देखो कि आपल्याला एक्स एक्सिस आणि वाई एक्सिस याच पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये घ्यावे लागतील असा कुठलाही नियम नाहीये, आणि असला तरी आपण तो फिजिक्स मध्ये फॉलो करत नाही। मतलब हमें जिस डायरेक्शन में एक्स लेना है हम उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं, हमें जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस लेना है उस डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस को ले सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, ये दोनों बस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि जब हम आगे रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे बोला जाएगा कि एक गाड़ी जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट, आता ईस्ट इकड़ है ना। एक एग्जांपल में हम कंसीडर करेंगे कि अगर वो ईस्ट में जा रही है मतलब वो प्लस एक्स के अलोंग जा रही है। मतलब अगर बोला जाएगा कि ईस्ट में जा रही है विद 40 किलोमीटर पर आवर तो उसको डायरेक्शन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, हमने कंसीडर किया है कि ईस्ट का मतलब प्लस एक्स है तो हम क्या लिखेंगे, 40 के साथ प्लस है क्या। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ही बोलूंगा कि ईस्ट की डायरेक्शन हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग कंसिडर करेंगे, मतलब वही 14। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या बनेगा, 14 टू जे क्या बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस इकड़ गएचा वाई एक्सिस तिकड़ गएचा, ऐसे कोई भी लिमिटेशन हमें नहीं है। कंडीशन क्या है, बस दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी वो एक्स एंड वाई एक्सिस बनेंगे। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जहां से फुटबॉल को किक मारी थी वो ओरिजिन है, तो यहां से फुटबॉल निकलेगा और फुटबॉल इस पाथ के अलोंग अपनी मोशन परफॉर्म करेगा। कळतं ना, फुटबॉल ग्राउंड वर नहीं जात, ठीक है ना, हवेतून जातो वर, माहिती का नहीं बघितलंय। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म कर रही थी। कुछ टाइम के बाद अगर हम बॉडी को देखेंगे तो बॉडी ए पॉइंट के ऊपर आएगी। अब ए पॉइंट के ऊपर बॉडी आने के बाद अगर हम वहां पे स्पेसिफाई करेंगे कि बॉडी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 मीटर है, इससे बॉडी की पोजिशन लोकेट होगी क्या, यस और नो। इससे पहले होता था 1D में हम कंसिडर करते थे कि गाड़ी है ओरिजिन से निकली, ड्राइवर तिला पी वर घेऊन गेला, पी का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, मतलब उसका डिस्टेंस 40 किलोमीटर ही है, इसको छोड़ के कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे रिक्वायर्ड ही नहीं थी क्योंकि गाड़ी एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन पाथ के अलावा ट्रैवल करती थी। लेकिन हम यहाँ पे ए पॉइंट जो ले रहे ये ना तो हॉरिजॉन्टल पे है ना वर्टिकल पे, ये कहाँ पे, प्लेन में। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहां से निकलने के बाद यहां तक गिरने तक हर बार क्या होने वाला है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा वैसे वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। मतलब हम बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 4 मीटर है तो हमें तो समझ में आएगा कि जहां से किक मारी थी वहां से कितना डिस्टेंस आगे, लेकिन वो ग्राउंड पे है क्या, हवे थे बरोबर, तो कितनी हाइट पे है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ये 6 मीटर आ गया, मतलब ए इस पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 4.6। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे बॉडी की पोजीशन अगर हमें स्पेसिफाई करनी है तो रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स कोऑर्डिनेट की भी है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी की।
मतलब x एक्सिस भी रिक्वायर्ड है, y एक्सिस भी रिक्वायर्ड है, मतलब हर बार हमें पोजीशन डिफाइन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए, एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए अगर दो दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब वही होता है एक्सिस का, जैसे मूवी बघायला गेलो आपण नॉर्मल 2D मूवी तो क्या होता है स्क्रीन असते, कळालं ना, हिरो इकडून पळतो तिकडे पळतो, बरोबर आहे, त्या स्क्रीनच्या बाहेर येऊ शकतो का, मतलब एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वर उड्या मारेल नाही तिकडे पळेल, ठीक आहे। अगर 3D मूवी है तो क्या होता है, चेंज क्या होता है 2D में एंड 3D में, बाहर येतो का स्क्रीनच्या येतो, उसके लिए 3D गॉगल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, समझ में आ रहा है ना, मतलब वहां पे क्या है कि डायमेंशन चेंज कर रहे हो, मतलब हमारे तरफ आने वाला जो जेड एक्सिस है उसके अलॉन्ग की मोशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो क्या बनती है 3D मूवी बनती है, एक्चुअल में येणार नहीं, वर्चुअल है, बट ऐसे हमें लगता है कि वो हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है ना, फक्त कंडीशन है थिएटर आणि क्या गॉगल ची क्वालिटी चांगली पाहिजे, नहीं तो आपल्याकडे काय एकच गॉगल वर्षभर चालतो, म्हणजे गॉगल लावून दिसत नाही, गॉगल काढून चांगले दिसतं असं आपल्याला वाटतं, ठीक आहे, तिथे फील येत नाही, बट चांगल्या थिएटरमध्ये जर गेले तुम्ही, औरंगाबादमध्ये नाही असलं, ठीक आहे, तो वहां पे हम ऍक्च्युअल जो 3D मोशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते, ठीक आहे, अँड उसके बाद में 4D 5D 7D 8D नका जाऊ, तुम्हाला सांगितलं तर जाशाल परत, ठीक आहे, यहाँ पे देखो तो क्लियर हो गया, ए के ऊपर अगर बॉडी है उसकी पोजिशन डिफाइन करने के लिए एक्स कॉर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है, वाई कॉर्डिनेट भी रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन, कहते सगळ्यांना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए ये बॉडी की पोजिशन हो गई, इसको डिफाइन करने के लिए हमें दो दो एक्सिस के अलोंग के कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, और अगर हमें यहाँ पे पोजिशन ए का पोजिशन वेक्टर चाहिए, इस ए का पोजिशन वेक्टर चाहिए, तो पोजिशन वेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या था याद करो डेफिनेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, मतलब ये ओरिजिन से ये ए तक हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ओ ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजिशन वेक्टर, किसके बॉडी के, कहां पे, ए पे, इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए R1 वेक्टर, कड़ा लो। इससे पहले अगर हमें यहाँ पे पोजीशन डिफाइन करनी या फिर पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है तो हम सिर्फ क्या बोलते थे 14 to i cap संपल एवढंच कळत होतं, 14 to i cap मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर 40 किलोमीटर इतने डिस्टेंस पे बॉडी है, यहाँ पे वैसे नहीं चलेगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी बोलना पड़ेगा, वाई एक्सिस भी बोलना पड़ेगा, इसलिए ये क्या है मोशन इन ए प्लेन है, कड़ा लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगुलर क्लासरूम है हमारी, इथून एक छोटी एंट मुंगी निघाली है ना चालत चालत, तो उसकी पोजीशन कहीं पे भी डिफाइन करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक कॉर्नर उसको ओरिजिन कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है ना, ही एंट है अशी चालली अपनी मोशन परफॉर्म करत इथपर्यंत जाणार है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपके मतलब कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी आप ओरिजिन ले सकते हो, ओरिजिन लिया मतलब वहां पे क्या होगा, वेरी गुड, एक्स एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस बनेगा, ये वाई एक्सिस बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इनिशियली एंड जो स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन कहां से कर रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर है नहीं, मतलब ये 0, y जो भी होगा, थोड़ी देर बाद कहां पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी पोजिशन डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स कॉर्डिनेट लेना पड़ेगा, ये वाई कॉर्डिनेट लेना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x1 y1 हो गया, अगेन थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट सी के ऊपर आ गए, फिर से हमें कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, मतलब ये बन गया x2, ये बन गया y2, तो सी के कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, समझ में आ रहा है ना, मतलब हर बार यहाँ पे बॉडी अगर मोशन प्लेन में मूव होती है तो उसकी पोजिशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है, कोऑर्डिनेट्स की, कौन से दोनों एक्सिस की, एक एक्स बी एक वाई बी, झेड थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इंट्रोड्यूस करते नहीं, जिथे कराए तिथे घयाच लगते है कि नहीं, जहाँ पे आई कैप जे कैप प्लस के कैप आ रहा है हम कंसिडर करते हैं झेड है, कंसिडर क्यों नहीं करते, कारण मैं असं नहीं ड्रॉ करू शकत, कळालं ना, उसके लिए हम उसको छोड़ देते हैं एंड एक्स वाई कंसिडर करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की पोजिशन डिफाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट दो कोऑर्डिनेट्स की थी, दो एक्सिस के अलोंग के कोऑर्डिनेट्स की थी, इसलिए मोशन इन ए प्लेन बनता है। फिर हम क्या करेंगे, उस पोजिशन को ओरिजिन के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा, पोजिशन वेक्टर बनेगा। यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, मतलब हर बार जो पोजिशन वेक्टर आएगा उसमें भी क्या होगा, आई कैप होगा, जे कैप होगा, आई कैप होगा, जे कैप होगा। जैसे यहाँ पे ओ ए वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने 4, 6 बोला है, अगर इन स्टैंडर्ड केस हम उसको x1 y1 कंसीडर करते थोड़ी देर के लिए, तो पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, ओ ए वेक्टर को हमने R वेक्टर बोला या फिर R1 वेक्टर बोला है, ये तो गलत है ना,
हे नाव देऊन टाकले मी आर वन वेक्टर म्हटलो, थोड्या वेळा वाटलं तुम्हाला श्रवण वेक्टर म्हणायचं म्हणू शकता, कळालं ना? तो आर वन वेक्टर का मतलब क्या होगा? नहीं, पहले एक्स वन इंटू आय क्या, वाई वन इंटू क्या हो गई, ये पोजिशन वेक्टर, कळालं? एवढं सोपं आहे. परत काय करणार आपण, ऍक्च्युअल मी व्हॅल्यू दिए 4 and 6, तो आर वन वेक्टर को आपण लिख सकते ऍज ए 4 into i cap + 6 into j cap. ये हो गई पोजिशन वेक्टर की केस. आगे थोड़ी देर बाद सेम फुटबॉल है, वो अपनी अगेन पोजिशन चेंज करेगा और थोड़ी देर बाद कहाँ पे आएगा, ए से निकल के बी के ऊपर आएगा और बी के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और ये आपको बोला है कि ये कितने हैं, 8 and 14 है. आता हे तर माहित असेल ना, आपण 2, 3, 4 लिहिलं, याचा अर्थ ये 2 किसके अलॉन्ग होते, 3 and ये 4, असं का हे ठरवलंय आपण, कळालं ना? मॅथ्सचा ॲडव्हान्टेज तेच असतं, जे आपण ठरवलंय तेच आपण स्टडी करतो, कळालं ना? जसे फिजिक्स में जो है वो नेचर में जो होता है उसको ऑब्जर्व करके हम उसको स्टडी करते हैं, म्हणजे इथं 100% ट्रूथ है. बस मैथमेटिक्स में क्या होता है, आपण ठरवलंय 1 + 2 = 3, असं नेचर मध्ये कुठंच नव्हतं 1 + 2 = 3 होता है. थोड्या दिवसांनी आपल्याला वाटलं की नाही 1 + 3 ला आपण 5 म्हणणार आहे, म्हणू शकतो का? म्हणू शकतो, आपण जर डिसाइड केलं तर, ठीक आहे ना? कॉन्फरन्स भरवली त्यात सांगितले की नाही 1 + 2 = 3 होत नाही, 1 + 3 आजपासून 5 होतात, आपल्याला 5 म्हणावं लागेल, ठीक आहे? बट फिजिक्स में ऐसे होईल असं होईल का? नहीं होणार, ठीक आहे? जो है वो है, ठीक आहे? चलो, तो पॉइंट बी के ऊपर बॉडी आ गई, तो वहां पे कोऑर्डिनेट कौन से है, x2, y2 और उसको नंबरिंग के फॉर्म में देखेंगे तो 8, 14. तो हमें फिर से अगर पॉइंट बी की पोजिशन लोकेट करनी है, मतलब उसका क्या ड्रॉ करना है, पोजिशन वेक्टर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द पोजिशन एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. मतलब बी के लिए पोजिशन वेक्टर कौन हो गया, ओबी वेक्टर. अगर मैं ओबी वेक्टर को कंसिडर करूंगा एज ए r2 वेक्टर, ओबी वेक्टर क्या बनेगा, r2 वेक्टर. तो यहाँ पे ओबी वेक्टर इक्वल्स टू r2 वेक्टर, क्या लिखूं मैं इसको, x2 i cap + y2 j cap. एंड अगर हमें नंबर्स मालूम है तो क्या बनेगा, ये 8 into i cap + 14 into j cap. म्हणजे तेच जे आपण 1D मध्ये स्टडी करत होतो, फक्त या पे क्या क्या है, क्या करना है, हमें दो दो कोऑर्डिनेट है तो हर बार स्पेसिफाई करना है कौन सा एक्स अलोंग कौन सा वाई अलोंग, और उसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, एक्स के अलोंग है तो उसके साथ लिखना पड़ेगा आई कैप, वाई के अलोंग है तो उसके साथ लिखना पड़ेगा जे कैप. तो पोजिशन हो गई, पोजिशन के साथ पोजिशन वेक्टर आ गया. अभी क्या हो रहा है, डायग्राम में देखेंगे तो बॉडी अपनी पोजिशन, तो चेंज इन पोजिशन को क्या बोला था हमने, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हमें अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है, ये पोजिशन वेक्टर हो गया, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, देखो ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, तो इन दोनों के बिटवीन एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे एज ए r वेक्टर. मतलब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या आती, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन. उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या होगा, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर. यानी हम यहाँ पे r वेक्टर को क्या डिफाइन कर सकते हैं, एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. अब r2 वेक्टर कितना है, नहीं नहीं, इन जनरल देखेंगे पहले फिर नंबर पुट करेंगे, कितना है, x2 i cap + y2 j cap - r1 वेक्टर कौन है, बट ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं घेतलं तर काय फरक पडेल, x कैप माइनस हो जाएगा लेकिन y कैप प्लस ही रहेगा, ब्रैकेट लेंगे तो दोनों माइनस है. आगे हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है और हमें मालूम है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के सब्ट्रैक्शन में सिर्फ i कैप का i कैप के साथ एंड j कैप का उनका ही सब्ट्रैक्शन होता है. मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा x2 - x1 into i cap + y2 - y1 into j cap. अगर यही नंबर इनके फॉर्म में हमें लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल्स टू, देखो ये कौन है, 8 i cap + 14 j cap - 4 i cap + 6 j cap. फिर से वही i cap के कंपोनेंट के साथ उसका कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, 8 - 4 - 4 i cap - 14 - 6, वेरी गुड, 8 j cap, ये बन गया r वेक्टर. और r वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. कळालं, म्हणजे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मध्ये आपण जे बघितलं होतं तेच आहे,
फक्त इथं फरक काय पडतोय, हरवर हमें स्पेसिफाई करने पड़ेंगे दो दो कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक एक्स का भी दूसरा वाई का भी, और उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बस वेक्टर की कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते, ठीक है। तो हर बार एक्स के अलोंग उसको कैसे लिखेंगे, आई कैप के साथ लिखेंगे, अगर वाई के अलोंग तो बस एवडाज डिफरेंस है, कुछ भी नहीं आगे, ठीक है। तो अगर हमें बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला तो 4i कैप प्लस 8j कैप, एंड बोला कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना पड़ता है, i कैप के एंड j कैप के साथ में जो नंबर है उनको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है। तो 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 प्लस 16 रूट ऑफ 80, अपन त्याला 81 घेतो, है ना, अप्रॉक्सिमेटली 9 मीटर, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लियर है। अभी क्या होगा, देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से लेके बी तक, आपको बोला गया कि ये होने के लिए 4 सेकंड लग गए, कितना टाइम लगा, 4 सेकंड लग गए, मतलब 4 सेकंड लग गए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम भी आ गया, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसके बाद में आएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर की जो बात है, अगेन हमें मालूम है कि वेलोसिटी 4 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। उसमें से यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अपने लगते नहीं, अपने लगते फक्त एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो अगर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना है, आर वेक्टर अपॉन टोटल टाइम मतलब टी, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर अपॉन टी, ये बनेगा वेलोसिटी वेक्टर, कहाँ पे, इन मोशन इन प्लेन। एंड अगर यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिक्वायर्ड है तो उस पॉइंट पे, जैसे ए टू बी पार्टिकल जा रहा है लेकिन हमें यहाँ पे सी पे वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अगर ग्राफिकल डेटा दिया है तो, एंड अगर ग्राफिकल डेटा नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, बस जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो ये बनती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन इन ए प्लेन, व्यवस्थित बघून घ्या, समजून घ्या आणि लिहून घ्या। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। किती लोकांना काहीच नाही कळालं, डॅशेस नाही पडला, काय कुठून लिहिताय, ए आर वन आई पण लिहितो, एक्स वन वाय वन, कोण कोण आहे सर, रोहिणी कळालं, गुड, राहील रेवन थोडं फार कळालं ना, का सगळं वरतून गेलं, वैष्णवी समजलं, अजून कोण आहे, अथर्व समजलं बेटा, नाही 100% त्यांनाच कळणार आहे ज्यांचा 1D पण झाला आहे, वेक्टर पण झाला आहे, ज्यांचा 1D थोडा थोडा झाला आहे, वेक्टर पण थोडं थोडं झालं आहे, त्यांना थोडं थोडंच कळणार आहे, ज्यांचा 1D वेक्टर काहीच नाही आला त्यांना हे सगळं काहीतरी कन्नड मल्याळम चालू आहे असं वाटणार आहे, कळालं ना। आता लक्षात घ्या, आज मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी होगा, है ना, वो खत्म होने के बाद ग्राफ्स आएंगे 1, 2, 3 में, ग्राफ्स होने के बाद रिलेटिव मोशन होगी, एंड रिलेटिव मोशन खत्म होने के बाद 1, 2, 3 में अगेन वी विल स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वेक्टर, त्यांचा मिस झाला आहे, अगेन त्यांना 1, 2, 3 मध्ये मिळेल, एंड उसके बाद में 4 to 5 में डायमेन्शन्स होगा, एरर होगा, वो होने के बाद फिर से वहाँ पे 1D होगा, सोडणार नाही आपण जोपर्यंत आपल्याला आउट ऑफ मार्क्स येत नाही तोपर्यंत, कळालं ना। परत आता इथून पुढे एव्हरी संडे आपण टेस्ट घेणार आहे, परत त्या एका टेस्टवर आपण स्पेसिफाय करणार किती लोकांना बॅच कंपल्सरी आहे, किती लोकांना कंपल्सरी नाही आहे, नियम माहिती आपल्याला, पहिले काय होतं 100 ची लिमिट होती, बरोबर, 100 क्रॉस कर दे वो आपके ऊपर है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। अभी डिसेंबर 20 के बाद में जो टेस्ट होगी वही 100 का क्राइटेरिया 125 पे जाएगा, कळालं ना। फिर से फेब्रुवारी में जो टेस्ट होगी सेम क्राइटेरिया 140 पे जाएगा, देन जून में जो टेस्ट होगी सेम क्राइटेरिया 150 में जाएगा। तो प्रत्येक टॉपिक मध्ये जोपर्यंत तुम्हाला 150 पडत नाही तोपर्यंत तुम्हाला सोडणार नाही, मग किती बदनामी करा माझ्या काही फरक पडत नाही, कोणाला काही काही जाऊन सांगा, मॅथ्स करू देत नाही, केमिस्ट्री करू देत नाही, बायो करू देत नाही, ठीक आहे ना, बरोबर आहे निश्वरी, चलो हो गया, समजावून घ्या, एकदम सोपं आहे, लिहायची गडबड करू नका।
क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है बोलो, बोला फटफट। पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या बोला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू 3 3 टी आई कैप माइनस 2t स्क्वेअर जे कॅप। इकडे बघा प्रथमेश बरोबर नाही, हे काय आहे, पोझिशन वेक्टर आहे। पोझिशन वेक्टर हर बार मोशन इन प्लेन में इसी फॉर्म में आएगा। हमने क्या लिखा था, x1 इनटू आई कैप प्लस y1 इनटू, तो x1 मतलब वेरिएबल था, उसकी रिप्लेसमेंट 3 5 9 3t 2t 40 1t कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर आपको दिया है 3t इनटू आई कैप माइनस 2t स्क्वेयर इनटू, यहाँ पे t मतलब वेरिएबल है, इसका मतलब क्या होगा, हम अगर t की वैल्यू 1 पुट करेंगे पार्टिकल डिफरेंट पोजिशन पे होगा, टी इक्वल टू 2 पुट करेंगे और थोड़ी दूर जाएगा, टी इक्वल टू 3 पुट करेंगे और थोड़ा दूर जाएगा। मतलब अगर हमें बोला है कि टी इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा वो पोजिशन स्पेसिफाई करो, तो हमें क्या करना है, बस एज इट इज टी की रिप्लेसमेंट करनी है, सॉरी 2 से, तो ये आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा, 3 into 2 6 into i कैप माइनस 2 स्क्वेयर 4 into 2 8 into j कैप, ये हो गया पोजिशन वेक्टर। लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन, असं जर आपल्याला विचारलंय म्हणजे आपल्याला काय घ्यावं लागेल, याचं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू रूट में 6 स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर, मतलब कि रूट ऑफ 100 यानी 10 मीटर, मतलब ओरिजिन से पार्टिकल कहाँ पे 10 मीटर किस डायरेक्शन में, ये जब भी पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, बस टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाय एक्स लेते हैं, लक्षात ठेवा। अगर डायरेक्शन पाई चाहिए हमें तो क्या करेंगे, हर बार tan थीटा इक्वल्स टू y बाय x, डायरेक्शन का मतलब एंगल फाइंड करना होता है हमें, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, और वो फाइंड करने के लिए हर बार हम क्या करेंगे, असस्ता ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहां से, तो ये थीटा मतलब इसकी डायरेक्शन होती है, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा डिफाइन करते हैं, tan थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन, तो यहां पे थीटा का अपोजिट हाइपोटेन्यूज कोण, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये अपोजिट कौन है, y, एडजेसेंट कौन है, इसलिए हर बार डायरेक्शन कैलकुलेट करायची म्हणजे विचार नहीं करायचा कोणती डायरेक्शन कसली डायरेक्शन, क्या करना है, बस tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू, लेकिन किसके साथ, किसके साथ, x के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ, कड़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करनी, तो डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y, मतलब j के साथ का नंबर कितना है, 8 बाय, मतलब 4/3 हो गया, क्या ये पोजीशन वेक्टर, देन पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट नहीं, पोजीशन का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड उसकी डायरेक्शन। बाद में अगर सेम डेटा है और आपको बोला है कि टी इक्वल्स टू 2 सेकंड से टी इक्वल्स टू 4 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये t1 इक्वल टू 2 सेकंड पुट करके r1 वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या आएगा r1 वेक्टर, 6i कैप माइनस 8j कैप, t2 इक्वल टू 4 पुट करके हमें r2 वेक्टर मिलेगा, तो क्या आएगा, 4 इंटू कुछ 12i कैप माइनस 32j कैप, ये r2 वेक्टर हो गया। हमें क्या फाइंड करने को बोला है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब डेल्टा r वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 में कौन है, I कैप के साथ 12, तो I कैप का I कैप के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, तो 12 माइनस 6, तो ये बनेगा 6 इनटू I कैप माइनस या प्लस, प्लस क्या होगा, माइनस ऑफ 32 माइनस माइनस प्लस 8 इनटू J कैप, अतः माइनस 32 प्लस 8 माइनस ऑफ 24, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, 6 इनटू I कैप माइनस 24 इनटू J कैप। अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा, मतलब रूट में 6 स्क्वायर 36 24 का स्क्वायर 576, इनके एडिशन 612, तो रूट ऑफ 612 है, म्हणजे 25 च्या थोडं जवळ आहे, म्हणजे 24.8 मीटर, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अगेन हमें बोला है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन फाइंड करो, क्या करेंगे, डायरेक्शन मतलब थीटा इक्वल्स टू
टेन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, वाई कौन है 24 बाय 6, मतलब कौन टेन इनवर्स ऑफ 4 हो गया, ये पोजिशन वेक्टर। उसी एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड आपको बोला है कि सेम टाइम में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 6 इंटू आई कैप माइनस 24 इंटू जे कैप। आता टाइम 2 घ्यायचा 4 घ्यायचा कि 2 घ्यायचा, टाइम ऑलवेज क्या करेंगे t2 माइनस t1, मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2 लेंगे, तो ये कितना बनेगा 3 इंटू आई कैप माइनस 24 बाई 2 मतलब 12 इंटू जे कैप, ये हो गई वेलोसिटी। एंड एट द एंड हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए रूट में 3 स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 रूट ऑफ 153, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12.3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। डायरेक्शन पूछेंगे तो फिर से थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स मतलब 12 बाई 3 मतलब फिर से 4, मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होती है, इसलिए टेन इनवर्स ऑफ 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी टेन इनवर्स ऑफ 4 है, क्लियर। एंड अगर हमें बोला जाता कि फाइंड करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हम क्या करते एवढं सगळं खेळत न बसता ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफरेंशिएट करते, मतलब वी वेक्टर इक्वल्स टू बनता डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका 3i कैप माइनस 4 इंटू जे कैप, ओ 40 जे कैप। और हमें बोला जाता है कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कहाँ पे थर्ड सेकंड में, तो क्या करते हम ये 4 इंटू 3 12, मतलब क्या बनता 3i कैप माइनस 12 इंटू जे कैप, फिर से इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर, इस केस में सेम आ रहा है हर बार सेम आएगा ऐसा नहीं, ठीक है। डायरेक्शन भी कितनी आएगी 12 बाई 3 मतलब 10 इनवर्स ऑफ, कड़ा लो। सो दिस इज ऑल अबाउट मोशन इन ए प्लेन, तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 एवढे नसतील, टिल 80 तक सेम एग्जाम्पल है। देखो बस पहले केस में सिर्फ पोजिशन कैलकुलेट किया है 73 में, 74 में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, 75 में सिर्फ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, 76 में इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करेंगे, अपन एकदा सगळं केलं हे कळालं का, हे जर कळालं असेल तर पुढचे एक्झाम्पल कळायला पाहिजे कुठपासून, मी सांगतो 73 record